हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन माई नेम इज़ आशीष टुडे वी है झारखंड हु प्रेस्टिजियस ई एन बी एवॉर्ड फॉर बेस्ट एंकरिंग वेलकम टू पटना सर थैंक सर दो साल का एक लंबा सफर इस सफर के बाद एक मुकाम और एक नैसर्गिक सी चीज जो आपकी अनुभूति इसे अगर संक्षेप में अगर आपको प्रस्तुत करना हो हमारे दर्शकों के लिए तो एक बार प्लीज़ पहले तो ये आशीष की दो साल नहीं दो दशक लगभग हो गए हैं दो दशकों का सफर लेकिन अब अच्छा सफ़र रहा शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल जरूर रहता है लाइफ में लेकिन हाँ सफ़र अच्छा रहा बल्कि ये पता भी नहीं चला कि पता नहीं कैसे इतना समय हो गया अब तो सोच के लगता है कि अच्छा इतना वक्त हो गया तो शायद अब समय के साथ साथ अनुभवी कहलाने लगा हूँ लेकिन फिर भी आज भी लगता है कि नौ सीख हुआ हूँ हूँ कहीं सीखने की जो ललक है वो ख़त्म नहीं हुई आज भी आज भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है बहुत कुछ करना बाकी है और शायद ये सफ़र अगले दो दशकों में भी मुझे ख़त्म होता नहीं नज़र नहीं आ रहा कहीं ई एन बी ए e अवार्ड जब आपको मिल रहा था उस दौरान वो वहिंगम दृश्य वो अद्भुत वातावरण क्या कुछ कहेंगे जब आपको अवार्ड दिया जा रहा था उस समय की अनुभूति आपकी ये जब चूंकि मुझे वहाँ एक तो एंकरिंग का था और एक था बाद बेबाक जो शो है मेरा तो दो अवार्ड मिले थे तो वो जो शो था मतलब पहले सोचा नहीं था लेकिन मुझे अचानक से जिस दिन इनवाइट किया गया था उस शो के लिए जिस दिन वो अवार्ड सेरेमनी थी उस दिन चैनल के मेरे बॉस ने बताया कि भाई आपको भी जाना है मैंने कहा किस लिए जाना है तो उन्होंने कहा कि अवार्ड सेरेमनी है और आप नर हैं उसके सेलेक्ट हुए हैं मैंने कहा किस चीज़ के लिए तो एक तो बेस्ट एंकरिंग का अवार्ड था और एक बेस्ट डिबेट शो का एक अवार्ड था मैंने कहा ठीक है मैं वहाँ पहुँच गया था लेकिन फिर भी यकीन नहीं था कि शायद ऐसा होगा तो अब ये तो नहीं कहूँगा कि वो विहंगम दृश्य उतना मैं सोच ही नहीं पाया क्योंकि देख उस वक्त होता क्या है कि जब आप अवार्ड ले रहे होते हैं और आपको लगता है कि अवार्ड मुझे मिल रहा है तो फिर आप उस वक्त की भीड़ नहीं देखते आप बस ये सोचते हैं कि अच्छा मैंने ऐसा क्या किया होगा जो मुझे मिला तो जब आप ये सोचते हैं ना जब आप ये मान लेंगे कि मैंने बहुत कुछ किया है इसलिए अवार्ड मिला है तो शायद आप आगे और कुछ करने का नहीं सोचेंगे इसलिए आपको हर वक्त अवार्ड मिलने पर यही सोचना चाहिए कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या अच्छा किया कि मुझे ये अवार्ड मिला तो जब आप ये होगा ना कि पता नहीं तो फिर आपको लगेगा कि नहीं तब मुझे कुछ और बेहतर करना चाहिए हो सकता है कि मुझे कुछ और अचीव करना बाकी रह गया हो तो मुझे वही लगता है मुझे आज तक नहीं पता कि वो अवार्ड मुझे क्यों मिला तो आगे जैसे आपने कहा कि मुझे और कुछ करना है आगे की क्या तैयारियाँ हैं फिर तैयारी हर दिन होती है आशीष कोई एक दिन की नहीं है हर दिन जब भी ऑफिस जाना होता है मैं हमेशा ये बात मानता हूँ और सबको सलाह भी यही देना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने अचानक से ए बी सी डी पढ़ना शुरू कर दिया तो उससे मैं बहुत महाज्ञानी या बहुत जानकार बन जाऊंगा मुझे लगता है कि हर दिन आपको पढ़ना पड़े पड़ेगा हर दिन तो रोज़ ख़बरें देखना रोज़ अखबार पढ़ना रोज़ तैयारी करना ये मेरा शौक़ है ये मेरी ज़रूरत नहीं है अब मेरा शौक़ बन गया है मुझे अच्छा लगता है रोज़ वो करना तो मैं हर दिन शो से पहले या ऑफिस जाने से पहले लगभग मुझे लगता है कि तीन से चार अखबार ज़रूर पढ़ता हूँ बात बेबाक जो आपका शो है स्क्रीन आर्ट कैमरे के सामने कुछ होता है मगर पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी होती है पूरी एक टीम होती है इसके ऊपर हमारे दर्शकों को कुछ पता है हाँ चेहरा मैं होता हूँ ज़रूर लेकिन तैयारी मेरे साथ, साथ और भी लोग कर रहे होते हैं और उसमें जाहिर तौर पर क्योंकि वो दिन भर का एक ऐसा शो है जो आप दिन भर का निचोड़ उसमें देते हैं यानी दिन भर जितनी भी ख़बरें चली होती हैं उसके बाद उनमें से आपको एक ख़बर चुननी होती है जिस पर आप वो डिबेट करने जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपके दिमाग में ये होता है सबसे पहली जो तैयारी शुरू होती है कि आप कौन सी खबर सेलेक्ट करेंगे उसके लिए क्योंकि खबर हो सकता है कि उस दिन आपके पास पांच बड़ी खबरें हों खबर तो ऐसे बहुत सारी होती हैं सैकड़ों में होती हैं लेकिन पांच मान लीजिए कि ऐसी खबर आती है जिसमें आपको चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें से कौन सी खबर है जो दर्शक सबसे ज्यादा पसंद करेगा कि डिबेट में आज यही होना चाहिए फिर पत्रकारिता का वही फार्मूला हम लोग अपनाते हैं कि खबर क्या होती है तो ख़बर वही होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट जिस पर जिसका पड़ता हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर तो उन्हीं में से फिर पांच में से वही चुनना होता है कि कौन सी खबर है जो तो ज़्यादा बड़ी हो सकती है कि पूरा प्रदेश अगर मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ या अगर राष्ट्रीय स्तर पर है तो पूरे देश को कवर कर रहा हो तो वो सेलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद होता है कि उसके लिए आपको प्रोमो लिखना होता है प्रोमो होता है जो आप चलाते हैं जिसके बदौलत आप शाम के चार मान लीजिए आठ बजे मेरा शो आने वाला है तो आप चार पाँच बजे से शुरू कर देते हैं कि भाई लोगों को बताते रहो कि आज आठ बजे ये आने शो आने, आने, आने वाला है और ये टॉपिक है तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ वो प्रोमो लिखना कितना कठिन होता है वो भी चुनौती होती है कि आपको तीन चार लाइन में ही समझाना है वो चलाकर दर्शकों को कि ये खबर बड़ी है और इसको आप आठ बजे ज़रूर देखिए फिर उसके लिए ग्राफिक्स की टीम होती है जो ग्राफिक्स बनाती है क्योंकि बाकी नॉर्मल जो बुलेटिनस होते हैं उसमें और बाद बेबाग जो जो डिबेट शो है उसके ग्राफिक्स अलग होते हैं तो वो ग्राफिक्स टीम बहुत मेहनत कर रही होती है बाइट अगर आपको चलानी है जैसे अमूमन मैं डिबेट के शो में पैकेज नहीं चलाता स्टोरी पूरी नहीं चलाता बाइट चलाता हूँ सिर्फ क्योंकि डिबेट में आप जब गेस्ट को बुलाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना पड़ता है गेस्ट को कि वो ज्यादा से ज़्यादा देर तक अपनी बात रख सकें तो फिर पैकेज चलाने में आपका वक्त ज़्यादा निकलता है लगभग आप ढाई मिनट या दो मिनट का भी एक पैकेज बनाते हैं आइडियल पैकेज नाइन्टी सेकेंड्स के होते हैं नब्बे सेकेंड के लेकिन फिर भी अगर आप कोई बड़ी स्टोरी क्योंकि दिन भर की मैंने बताया कि सबसे बड़ी स्टोरी होती है तो आपको उसका पैकेज भी बनता है तो दो ढाई मिनट का होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सिर्फ बाइट चला लो और बाइट भी अब चलाना है तो उसमें भी जो बाइट काटने यानी पैकेजिंग में जो हमारे साथ होते हैं टीम के मेंबर्स उनकी कोशिश यही उनको बोला जाता है कि भाई वैसी ही बाइट वो क्लिप निकालना है बाइट का हिस्सा कि उस एक छोटी सी बाइट से मुश्किल से 20 सेकंड 25 सेकंड की एक किसी पॉलिटिशियन या किसी किसी की भी बाइट अगर है तो बीस तो पच्चीस सेकेंड का वो क्लिप निकालना है जो सबसे ज़्यादा असरदार हो तो वो भी एक थोड़ा होता है कि आपको सेलेक्ट करना होता है शॉर्ट्स विजुअल्स जो होते हैं वो भी आपको बहुत प्रभावशाली चुनने होते हैं कि दर्शक आपके डिबेट में बंधे रहें तो ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं तब जाकर एक डिबेट आता है तो वो कहने को ज़रूर हमें लगता है कि वो आधे घंटे का या एक घंटे का शो है लेकिन उसके पीछे जो टीम लगी होती है उसकी वो दिन भर की मेहनत होती है क्योंकि आई थिंक दोपहर में हम लोग दो बजे के आसपास ये तय करते हैं दो बजे से पहले इसलिए नहीं कर सकते कि दो बजे के पहले जो खबरें आई होती हैं हो सकता है दो बजे के बाद कोई बड़ी खबर आ जाए तो हम लोग दो ढाई बजे तक वेट करते हैं और उसके बाद जो बड़ी ख़बर मिलती है उस पर डिबेट करते हैं नवोदित पत्रकारिता के विद्यार्थी या यू कहें जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं जैसे हम जो पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल उनके लिए एक संदेश जो छोटा सा आप छोड़ेंगे हमारे लिए संदेश तो हालांकि मैं नहीं मानता कि मैं इतना काबिल या इतना बड़ा हूँ कि मैं संदेश कोई बहुत बड़ा मैसेज आपको दे पाऊं लेकिन हाँ एक सलाह ज़रूर छोटी सी मैं देना चाहूँगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि स्क्रीन पर जो हमें आने की ललक होती है वो अंदर एक ख्वाहिश रखना अच्छी बात है लेकिन हमें उन लोगों के बारे में जैसा आपने अभी सवाल किया ना कि बात बेबाक के पीछे जो पूरी टीम होती है उस टीम का हिस्सा बनने के बारे में जब हम सोचने लगेंगे ना जब हम उस टीम की जगह खुद को रख के सोचेंगे तब हम बेहतर जर्नलिस्ट बन पाएंगे ये कह देना कि मैं स्क्रीन पर आता हूँ प्रेजेंट कर देता हूँ डिबेट कर लेता हूँ नेताओं से सवाल ले लेता हूँ नहीं ये तो बहुत छोटा हिस्सा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है जो पीछे है पर्दे के पीछे और उसकी दिन भर की मेहनत है तो जिस दिन हम उसका हिस्सा बनेंगे उस टीम को अपने आप से कनेक्ट करके सोचेंगे तब शायद हम एक अच्छे पत्रकार बन पाएंगे तो मतलब कि जो पीछे काम कर करें पहले बर्डिंग जर्नलिस्ट को उसका एक पार्ट होना चाहिए फिर उसके बाद आगे बोलो आपको आपको अगर लिखने की समझ नहीं है आपके पास शब्दों का भंडार नहीं है आपको ये पता ही नहीं है कि जब हम लिख रहे हैं तो कौन से शब्द को कितने प्रभावशाली तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं तो फिर आप एक पत्रकार नहीं बन पाएंगे पत्रकार बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको वर्ड सिलेक्शन जो है वो बहुत आ, सोच समझ कर करना होगा कि किस तरह के शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं जो सबसे